यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। नवे वर्ष के दसवें महीने के दसवें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, आज का दिन लिख रख, क्योंकि आज ही के दिन बाबुल के राजा ने यरूशलेम आ घेरा है, और इस बलवाई घराने से यह दृष्टांत कह। प्रभु यहोवा कहता है, हंडे को आग पर धर दो, उसे धरकर उसमें पानी डाल दो, तब उसमें जांग, कंधा और सब अच्छे अच्छे टुकड़े बटोर कर रखो, और उसे उत्तम उत्तम हड्डियों से भर दो। झुंड में से सबसे अच्छे पशु लेकर उन हड्डियों को हंडे के नीचे ढेर करो, और उनको भली भांति पकाओ, ताकि भीतर की हड्डियां भी पक जाए। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय उस हत्यारी नगरी पर, हाय उस हंडे पर, जिसका मोर्चा उसमें बना है और छूटा नहीं, उसमें से टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल लो, उस पर चिट्ठी न डाली जाए, क्योंकि उस नगरी में किया हुआ खून उसमें है। उसने उसे भूमि पर डालकर धूलि में नहीं ढापा, परंतु नंगी चट्टान पर रख दिया। इसलिए मैंने भी उसका खून नंगी चट्टान पर रखा है कि वह ढप न सके और कि बदला लेने को जलजलाहट भड़के। प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय उस खूनी नगरी पर, मैं भी ढेर को बड़ा करूंगा और अधिक लकड़ी डाल आग को बहुत तेज कर मांस को भली भांति पका और मसाला मिला और हड्डियां भी जला दो। तब हंडे को छूछा करके अंगारों पर रख, जिससे वह गर्म हो और उसका पीतल जले और उसमें का मैल गले और उसका मोर्चा नष्ट हो जाए। मैं उसके कारण परिश्रम करते करते थक गया, परंतु उसका भारी मोर्चा उससे छूटता नहीं, उसका मोर्चा आग के द्वारा भी नहीं छूटता। हे नगरी, तेरी अशुद्धता महापापी की है। मैं तो तुझे शुद्ध करना चाहता हूं, परंतु तू शुद्ध नहीं हुए। इस कारण जब तक मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर शांत न कर दूं, तब तक तू फिर शुद्ध न की जाएगी। प्रभु यहोवा ही ने यह कहा है, और वह हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तुझे न छोड़ूंगा, न तुझ पर तरस खाऊंगा, न पछताऊंगा। तेरे चाल चलन और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का यह वचन भी मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूं, परंतु न तू रोना पीटना और न आंसू बहाना। लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई न पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना, सिर पर पगड़ी बांधे और पांव में जूती पहने रहना, और न तो अपने होठों को ढांपना, न शोक के योग्य रोटी खाना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला, और सांझ को मेरी स्त्री मर गई, और बिहान को मैंने आज्ञा के अनुसार किया। तब लोग मुझसे कहने लगे, क्या तू हमें न बताएगा कि यह जो तू करता है, इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है? मैंने उनको उत्तर दिया, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तू इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैं अपने पवित्र स्थान को, जिसके गढ़ होने पर तुम फूलते हो और जो तुम्हारी आंखों का चाहा हुआ है और जिसको तुम्हारा मन चाहता है, उसे मैं अपवित्र करने पर हूं, और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहां छोड़ आए हो, वे तलवार से मारे जाएंगे, और जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम लोग करोगे। तुम भी अपने होठ न ढापोगे, न शोक के योग्य रोटी खाओगे। तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पांव में जूती पहने रहोगे, न तुम रोओगे, न छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कराहते रहोगे। इस रीति यहेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे, और जब यह हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। और हे मनुष्य के संतान, क्या यह सच नहीं कि जिस दिन मैं उनका दृढ़गढ़, उनकी शोभा और हर्ष का कारण, और उनके बेटे बेटिये जो उनकी शोभा, उनकी आंखों का आनंद और मन की चाह है,
उसको मैं उनसे ले लूंगा। उसी दिन जो भागकर बचेगा वह तेरे पास आकर तुझे समाचार सुनाएगा। उसी दिन तेरा मुंह खुलेगा और तू फिर चुप न रहेगा, परंतु उस बचे हुए के साथ बातें करेगा। सो तू इन लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा और ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं।